नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर देहात के थाना फिलौर की पुलिस ने बी कैटेगरी के गैंगस्टर को किया काबू। 4 पिस्तौल, 55 जिंदा रौंद और 3 मैगजीन किए बरामद। विश्वकर्मा दिवस पर मिस्त्री भाईचारे को बधाई देने मुख्यमंत्री पंजाब धूरी क्षेत्र में पहुंचे। 3 बड़े प्रोजेक्टों को दी मंजूरी। भोगपुर के गांव पचरंगा के नजदीक नशे में धुत पुलिस कर्मचारी ने एक्टिवा को मारी टक्कर, महिला व उसकी बेटी हुई घायल। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर देहात के अधीन आते थाना फिलौर की पुलिस ने बी कैटेगरी के एक गैंगस्टर लखविंदर सिंह उर्फ मटरू को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपीडी सरबजीत सिंह बाईया ने बताया कि थाना फिलौर के प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार ने एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर को काबू किया है, जिसकी पहचान लखविंदर सिंह उर्फ मटरू निवासी गांव हियोवाल थाना सदर बंगा जिला शहीद भगत सिंह नगर के तौर पर हुई है, जिसके पास से एक सिंगल बैरल 12 बोर की गन, एक 12 बोर की डबल बैरल गन, एक पिस्तौल 32 बोर, एक पिस्तौल 45 बोर, 55 जिंदा रौंद और 3 मैगजीन बरामद की है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सुखजिंदर बाबा ग्रुप के साथ संबंध रखता है, जिसकी दुश्मनी खत्री ग्रुप के साथ चल रही है। पकड़े गए आरोपी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह भगोड़ा करार दिया जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। SHO फ्लोर सुरेंद्र जी नू इनपुट आई और मुखपुर खास ने दसिया भी जेड़ा की राहो लसाड़ा एंड बंगा एरिया जेड़ा नाल लगदा साडे फ्लोर दे, इत्थों दा एक गैंगस्टर हैगा जेड़ा कि अपना भारी मात्रा जो असला लेके उन्हें लपोश पा के रखिया हुआ और इन्होंने उदी इनफॉर्मेशन डिवेलप की और ये लखविंदर जेड़ा मटरू है उदे ते वर्क कर रहे सी। इन बिटवीन वो दिल्ली फड़िया गया सी और उन्होंने हुण प्रोडक्शन वर्ड ते लियांदा और उदे कोलो सानू टोटल जेड़े इहदी कस्टडी सीगे 4 वेपन्स मिले हैगे, 2 12 बोर हैगे आ और जेड़ी की गन्स हैगियां डबल बैरल और सिंगल बैरल, एक 45 बोर का पिस्टल हैगा और एक 32 बोर का पिस्टल। टोटल सानू जिहड़े लखविंदर मटरू दे 4 वेपन असी रिकवर कीते हैगे। जालंधर में दीपावली की रात किला मोहल्ला में सरेआम गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेसी नेता के खास माने जाने वाले बदमाश तोता ने किला मोहल्ले में लगभग 20 मिनट तक गुंडागर्दी का ऐसा नंगा नाच किया कि लोग घरों के अंदर घुस गए और सभी की दिवाली काली हो गई। इस दौरान हमलावरों ने आप नेता सुभाष महाजन को तेजधार हथियारों से बुरी तरह से जख्मी कर दिया और उन पर गोलियां भी चलाई। फिलहाल इस घटना में गोली लगने के कारण कोई भी जख्मी नहीं हुआ है, तो वहीं यह सारी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ACP नॉर्थ दमनवीर सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए और मामले में जुट गए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जिदा जी रात में सुनी इन्फॉर्मेशन आई कि उत्थे भी झड़प हुई है, तो 12:15 बजे के टाइम के आसपास की गल, तो उत्थे जब साडे मुलाजम पहुंचे तो उत्थे पता लग्या सानू कि एक दिनेश महाजन तो सुभाष महाजन ने यह 2 इंजर्ड से बंदे, तो इन्होंने सिविल हॉस्पिटल लैके जा चुके थे। तो यह सुभाष महाजन जी के बेटे हैं राकेश महाजन, इन्हों के बयान पर असी परचा दर्ज किया FIR नंबर 123, तो ये असी सैक्शन 307, 323, 341, 148 इंजा तो आम जैक्ट भी लाया। देखो दिवाली के मौके पर कई बार बैठ के जुआ वगैरह खेडन लाए जाने, हो सकता है वो कोई इन्हों की आपसी झड़प हुई हो, जी झड़प वधी इन्नी ज़्यादा वध गई कि इन्होंने उत्थे मोटरसाइकिल जोड़े खड़े से भी भन तोड़ की है, गड्डी को नुकसान पहुँचाया। ये असी सैपरेट टीम बना चुके हैं तो ये साढ़े स्टाफ मैंबर्स काफ़ी इनवॉल्व ने, तो असी बाकी CCTV भी चैक कर रहे हैं, तो बाकी ट्रेल लगी जा रही, हर संभव कोशिश की जा रही है कि जेडे शरारती अंसर ने ते क्रिमिनल जिहड़ा इह इक पनप रहा है, तो उन्होंने वी शुड डिप इन द बड, तो हुणी उन्होंने असी काबू च करके बनती कार्रवाई कर रहे हैं।
इन्ना पहला कला सी नाल ही 10-15 मुंडे लियाया आंदे ही इन्ने हथियारां नाल साडे ते हमला कीता नाल ही इन्ने गोलियां चलानियां शुरू कर दित्तियां ते असीं मौके ते जदों दौड़े अगे पिछे घर नूं वड़ गए मेरे बच्चे दे वज जाणे सी ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਤੋੜ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਜੂਆ ਹੁੰਦਾ ਜੂਆ ਲੁੱਟਣੇ ਜੂਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਉਹਨੇ 6 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ 2 ਮਹੱਲੇ ਕੀਤੇ 4 ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਘਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਤੋਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ 12-15 ਪਰਚੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੋਕਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਅਤੇ 452 ਐਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਹਰ ਵਰਸ਼ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਸ਼ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ 38ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਭਵਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ KD ਭੰਡਾਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਰਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਚ ਬਲਰਾਮ ਕਪੂਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਿਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਕਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਭੋਗ ਵੀ ਡਾਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪੁਰਾਣ ਕਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕੀਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਜਮਾਨੋਂ ਨੇ ਆਹੂਤੀਆਂ ਡਾਲਕਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਰਾਜਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਰੌਕਸੀ ਉੱਪਲ ਅਜੇ ਚੋਪੜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰੀਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ। ਕੁਲ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੰਗਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮੋਂ ਪਰ ਚਲਤੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਸੇ ਲੋਗੋ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕੋ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਕੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਰਾਜ ਸਤਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਮੇਂ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੈਲੀ ਔਰ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਕੇ ਮੁਖੀ ਥੇ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰੋਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀ ਗੁੱਲਕ ਕੋ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸੇ ਲੂਟਾ, ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਭੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੇ ਰਾਜ ਕੋ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਪੂਰਤੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਚਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ, ਉਪਾਯੁਕਤ ਸੂਰਭੀ ਮਲਿਕ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਆਯੁਕਤ ਡਾਕਟਰ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਅਰੁਣ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੋ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਹੱਥੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ, ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, BA ਦਿੱਤਾ 6%, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਦਰ ਕੀ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਜੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, 101 ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ, 101 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਪੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਵੇ। भोगपुर के अधीन आते गांव पचरंगा के नजदीक शराब के नशे में धुत एक पुलिस कर्मचारी ने एक्टिवा सवार महिला व उसकी बेटी को टक्कर मार दी,
जिस कारण एक्टिवा सवार महिला व उसकी बेटी घायल हो गई। पुलिस मुलाजिम ने इतनी शराब पी हुई थी कि उससे सही ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पचरंगा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस कर्मचारी को थाना में ले गई। इस मौके पर पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस कर्मचारी की पहचान करवाकर उसका सिविल अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, जिसके बाद बनती कार्यवाही की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਰਹਿਣ ਰੁਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ, ਜਦੋਂ ਫਾੜ ਕਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਪਏ ਆ, ਲੜੋ ਜੇ ਪਏ ਗੱਡੀ ਜਰਾ ਸੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੜਦਾ ਲੱਗੀ ਜਦੀ ਸੜ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਐਕਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਾਈ ਸਰਦੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮਲਾਈ ਕਰਾਉਣਗੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਭਿਆਰਥੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ। जालंधर के ज्योति चौक के पास स्थित टेंट हाउस में भीषण आग लग गई, जिस कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाना शुरू किया। हालांकि आग लगने का कोई भी कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस दौरान टेंट हाउस के अंदर दो गाड़ियां भी खड़ी थी, जिसे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मुशक्कत से बाहर निकाला। इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की लगभग 15 गाड़ियां लग गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं इस आगजनी के कारण कितना नुकसान हुआ है, इसका अभी अनुमान नहीं लग पाया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। फायर कॉल आई है 10 बजे तक, ज्योति चौंक के नाल एक टेंट हाउस है, उठे अग लगी, मौके पर आए हैं। आके देखे अग बहुत ज़्यादा सी, आले दुआले दुकाना चक जा रही थी। एक अपने काउंसलर है चेरी छा, उन्होंने कहा भी साढ़िया ना अंदर दो लैरों खड़िया ने, असं फिर फटाफट शटर तोड़े अंदर गए, फिर आई अंदर अपनी सारी जदों जायद अंदर देखो लैरों भी सेफ है, तो आले दुआले ही मारे। ਅਜੀਤ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 10:02 'ਤੇ ਕਾਲ ਆਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੋਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਰਿਪੋਰਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਹੀਕਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੇ DGP ਸਾਂਝ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ डीओ के दिशा निर्देशों के अनुसार SSP अमृतसर देहात स्वप्न शर्मा के आदेशों पर SP हेडक्वार्टर जसवंत कौर रियाड़ की अगुवाई में इंस्पेक्टर मनजिंदर सिंह, सुपरविजन अधिकारी कुलदीप सिंह रियाड़ की ओर से सांझ केंद्र टीम झंडियाला गुरु द्वारा जरूरतमंद गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाले छोटे बच्चों को दीपावली के अवसर पर चॉकलेट, मिठाइयाँ, चिप्स आदि बांटे गए और पारिवारिक सदस्यों को कंबल बांटकर दिवाली की खुशी संयुक्त रूप से मनाई गई। इस मौके पर सांझ केंद्र के सुपरविजन अधिकारी कुलदीप सिंह रियाड़ ने कहा कि सांझ केंद्र टीम की ओर से जरूरतमंद लोगों में सामान बांटकर दिवाली का त्यौहार मनाया गया है। इस मौके पर ASI हरदयाल सिंह, ASI हरपाल सिंह, ASI रंजीत सिंह, हेड कांस्टेबल दविंदर सिंह और PBO रंजीत सिंह ने सामान बांटकर खुशी मनाई। झंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। आज शुभ त्यौहार दिवाली के मौके पर मानयोग DGP साहब के दिशा निर्देश हेठ SSP अमृतसर देहाती, मैडम SP हेडक्वार्टर साहब, DCPO साहब और इंस्पैक्टर मनजिंदरपाल सिंह, मेरी समुची टीम कुलदीप सिंह रियाड़, सुपरविजन अफसर सब डिवीजन मजीठा जंडियाला बाबकाला, असी त्यौहारों के अफसरों दिया निर्देशों हेठ जो भी फेस्टिवल मना रहे हैं वो वक् वक् जिहड़े लोग ने अपने घर बच्चों नाल मना रहे हैं, असी सांझ दे सियांझ केंद्र के मुलाजम तो समुची टीम पुलिस अफसर ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। भगवान विश्वकर्मा की हथियार, औजार, मशीनें आदि को बनाने की कला में बड़ा योगदान है। उन्हें कीरत का देवता भी कहा जाता है। बड़े बड़े डैम, मिलने, आसमान को छूती इमारतें, रेल लाइनों के बिछे जाल, पहाड़ों में सुरंगें आदि सबके निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार और मशीनरी बाबा विश्वकर्मा जी की दस्तकारी की देन है।
दिवाली के अगले दिन हर वर्ष विश्वकर्मा जी का दिवस बड़ी ही श्रद्धा भाव से मैकेनिकों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन मैकेनिकों द्वारा रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों की पूजा विधि अनुसार की जाती है, जिसके चलते अमृतसर के रामबाग में मैकेनिकों द्वारा इकट्ठे होकर भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की गई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सभी शहरवासियों को विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं दी। तो वहीं उन्होंने कहा कि हर वर्ष मैकेनिकों को इकट्ठा होकर राज्य स्तरीय विश्वकर्मा जी का दिवस मनाना चाहिए, जहाँ सभी औजारों और हथियारों की पूजा विधि अनुसार की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अज तो पहला मेन सब तो वे जिन्हें मैकेनिक भरावान मैं लख लख बधाई दिना बाबा विश्वकर्मा जी की, कि सारे मैकेनिकों एक कहना चाहना कि हर बार इको स्पीच करना कि व्डे पद्धर से सारे मैकेनिक भरावान इकट्ठे होना चाहिए, क्योंकि जी देन आ बाबा विश्वकर्मा जी की ये नाम ही भुलने वाली चीज़ है, क्योंकि अभी अनपढ़ बंदे हाँ फिर भी हमारी बहुत इज्जत बनी है इस मकैनिकी करना, क्योंकि कारोबार ने बरकत पीती है कि सू जो भी कहता जी करके बुला है। तो यही जिन्हें मकैनिक सारे कहना चाहते हैं कि इकट्ठे हो के एक वड्डा विश्वकर्मा बनाओ, कि जो मकैनिक आप से टुटते जाते पे है तो इस करके इकट्ठे हो गए तो उन्होंने बहुत फायदा मिलेगा कोई आने के टाइम के जी टेक्नोलॉजी वधी पी वह भी तो मकैनिक्स ही बना रहे हैं, बट रिवाज जो घटन डे ये माड़ी गल है। अपना जो पुरातन जी साड़िया सनातन धर्म दियाँ है विधियां उन्होंने भुलना नहीं चाहिए, जोड़े लोग अपने धर्म छड़ते हैं वो लोग फिर पिछड़ जाते हैं। अमृतसर के वल्ला में दीपावली के उपलक्ष्य में एक पशु मेला लगाया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए पशु और घोड़ा घोड़ियां आकर्षण का केंद्र बने रहे। हर वर्ष की तरह इस बार भी इस मेले में घोड़े भैंस गायें आदि जानवर बेचने व खरीदने के लिए लाए गए। तो वहीं मेले में पशुओं की खुराक और श्रृंगार की सामग्री भी बिक्री का आकर्षण बनी रही। इस बार मेले के आयोजन का काम सरकार की ओर से ठेकेदारों को दिया गया था। इस बार 1500 से अधिक गाय व भैंस और 2000 से अधिक घोड़े और घोड़ियां बेचने के लिए लाए गए। इस मेले में आए पशु व्यापारियों ने बताया कि इस मेले में 2 लाख से लेकर 85 लाख रुपए के घोड़े और घोड़ियां बिकने के लिए यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि पशु मेले में ठेकेदारों की ओर से कोई खास प्रबंध नहीं किए गए, यहां तक कि पशुओं के लिए पीने के पानी तक का प्रबंध नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने सरकार से अपील की है कि पशु मेले में अच्छे प्रबंध करवाए जाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो प्रबंधा बारे तो बड़े चिरा तो ही देखते आए हैं, पहला तो भी देखते हैं, क्योंकि साल के अपने इतने जी विसाखी भी मनाई जाती है तो दिवाली भी मनाई जाती है। असं मतलब तकरीबन 2 बार एक साल के आई दा प्रबंधा देख के एडा कोई वड्डा बदलाव नहीं है जिन्ना होना चाहिए, क्योंकि उधर देखा गया वा जिवें इतने रोडों के काम चल रहे उन्होंने जिन्ना साजो समान आ इस मंडी के पिया वा, पर जे मंडी के वेखो सारिया परचियां उस तरह लग रही, पर उन्होंने जेडे प्रबंध आ जा पानी की ला लो जा होर भी आने जाने के किते जरूर आ, पर जिस तरह होने चाहिए उस तरह है नहीं, भावें शड्डा के बंदोबस्त की गल ला लो क्योंकि बारिश का मौसम ही हो सकता, जिहड़े जानवर मतलब एडे महंगे लेके आए हैं इन्हां दे रख रखाव दे विच साडा खुद का अपना बंदोबस्त है, कोई सरकार वालों बंदोबस्त है नहीं। जालंधर के सिटी रेलवे स्टेशन के पास दीपावली की रात को खुले शराब के ठेके पर कुछ युवकों द्वारा ठेके के कारिंदों के साथ मारपीट कर शराब की महंगी बोतलें और नकदी लूट कर फरार हो गए। इस सारी घटना के दौरान पीसीआर मुलाजिम भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद युवक लूट और मारपीट कर आसानी से फरार हो गए। तो वहीं यह सारी घटना ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए ठेके के कारिंदे अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि रात को कुछ युवक शराब लेने आए थे, जब उसने उनसे पहले पैसे देने की बात की तो इस बात पर वे झगड़ा करने लगे और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिस कारण डर कर उन्होंने शटर तो बंद कर दिया लेकिन उन्होंने बाहर लगी ग्रिल को तोड़ डाला। इस घटना के दौरान कम से कम 15 से 20 युवक मौजूद थे। अशोक कुमार के मुताबिक सारा कैश जो कि लगभग 1.5 लाख से ज्यादा था उक्त युवक उसे लूटकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसीपी नॉर्थ दमनवीर सिंह मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि उनकी पीसीआर टीम रात को गश्त कर रही थी, जिस कारण वे मौके पर पहुंच गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की पहचान कर रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हां जी, फोर्स मौके पर पहुंची थी, जो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, जब उन्होंने देखा कि शोर शराबा हो रहा है, पीसीआर ने मौके पर गई है
ਅਤੇ ਬਟ ਜਦ ਤੱਕ ਰੀਨਫੋਰਸਮੈਂਟਸ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਫਸਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ CCTV 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਪਰ ਮਿਸਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋ ਵਧਾਈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਧੂਰੀ ਮੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋ ਵਧਾਈ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਕੋ ਉੱਨਤੀ ਕੀ ਰਾਹ ਪਰ ਡਾਲਾ ਥਾ, ਵਹ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਧੂਰੀ ਮੇ 3 ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟੋਂ ਕੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਮੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਲਟਕਤੀ ਆ ਰਹੀ ਧੂਰੀ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਕੀ ਮੰਗ, ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋ ਬਣਾਨੇ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਨਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬੜਾ ਟਰੈਕ ਔਰ ਧੂਰੀ ਮੇ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਕੋ ਜਲਦ ਹੀ ਸਲੈਬ ਡਾਲ ਕਰ ਢਕੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗਈ। तो वहीं संगरूर में बैठे किसानों पर पूछे गए सवाल पर CM भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने 1.5 घंटा मीटिंग कर सभी मांगों को मंजूरी दे दी है, जिनमें से कुछ मांगे केंद्र सरकार से थी जिसमें वे कुछ नहीं कर सकते, अब बाकी किसानों की मर्जी है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। विश्वकर्मा डे है और निर्माण दे भगवान सी हो कलाकृतियां और हाथी कम करने की जी उन्हों की प्रेरणा सी। अज खास तौर पर पंजाब जड़ा इस मामले काफ़ी अगे है, पंजाब दे विच देश दे 80% ट्रैक्टर इत्थे पंजाब च बनते हैं, इंपोर्ट भी होंगे ने, ते कंबाइना रोटावेटर जिनी भी खेतीबाड़ी नाल संबंधित एग्रो मशीनरी जिनी है वो सारी लगभग सारी पंजाब च बनती है। बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, रोज़गार मिलता है। अज भगवान विश्वकर्मा जी का दिन है, मनाउन आया और उन्होंने मैनू बुलाया सीगा, सारे बरादरी वाले मेरे को इकट्ठे होकर आए सी। मैं असी उन्हां हस्सां ते पूरे उतरांगे। धूरी दे हस्पताल नू अपडेट किया जाऊगा और संगरूर दे हस्पताल नू अपडेट किया जाऊ, क्योंकि कॉलेज आ रहे हैं, कॉलेज दे नाल अपडेट करना जरूरी हुंदा आले दुआले दे हॉस्पिटल्स नू। ते बाकी जिहड़ा लाइसेंस बनाउण वाला जिहड़ा ड्राइविंग लाइसेंस दा जिहड़ा ट्रेनिंग सेंटर वो भी धूरी दे नेड़े इत्थों धूरी दे मले कोले दे विचाले जमीन वगैरह सारा हो गया, तो बस उहदी कार्रवाई शुरू हो जूगी। रेलवे ओवरब्रिज धूरी का वह कागजी पत्री कंप्लीट हो गया तो शुरू कर दूगा रेलवे हूँ, तो जोड़ा सूआ लंघता बिच की इनू ढकन का काम जोड़ा है वो बारे कागजी कार्रवाई चल रही। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर देहात के थाना फिलौर की पुलिस ने बी कैटेगरी के गैंगस्टर को किया काबू, 4 पिस्तौल, 55 जिंदा रौंद और 3 मैगजीन किए बरामद। विश्वकर्मा दिवस पर मिस्त्री भाईचारे को बधाई देने मुख्यमंत्री पंजाब धूरी क्षेत्र में पहुंचे, 3 बड़े प्रोजेक्टों को दी मंजूरी। भोगपुर के गांव पचरंगा के नजदीक नशे में धुत पुलिस कर्मचारी ने एक्टिवा को मारी टक्कर, महिला व उसकी बेटी हुई घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।